नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं और भी खुशी हुई आपको अच्छा जानकर। इस लॉकडाउन में छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं आप, स्कूल खुलने का इंतजार भी कर रहे हैं। तो तमाम 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं का मैं अनिल सर हिंदी के लिए आपका पुनः स्वागत करता हूँ। और अपना जो दूसरा अध्याय है तुलसीदास जी का, हालाँकि छुट्टियों के दिनों में मैम से आपने लगभग पहला लेसन जो है वो पूरा पढ़ लिया है और ठीक से याद भी कर ले मुझे यकीन है, व्याकरण भी लगभग पढ़ लिया आपने। तो ध्यान दें कि अब जो दूसरा हमारा अध्याय है तुलसीदास, जो राम भक्त कवि हैं, आप चित्र जानते भी हैं, सुना भी होगा, अपने 9 तक पढ़े होंगे। तो अब देखिए जो तुलसीदास जी हैं, सबसे पहले अपने क्या है कि परीक्षा में आता है कवि परिचय आता है। तो कवि परिचय में लगभग आपको बता दूँ कि अपनी जो बुक है उसमें आप देख पाएंगे कि उनकी रचनाओं का जिक्र किया जाता है, कुछ व्याकरणिक जिक्र किया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो आप याद कर लेते हैं वो चीज़ है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी कितनी आपको याद है। तो देखने वाली बात ये है कि तुलसीदास ये नाम आज जग विख्यात है, तो ऐसे ये शुरू से थे, ये बाद में हुए, या क्या इनकी कहानी है, तो थोड़ा बहुत हम जिक्र करेंगे। तो तमाम 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं का मैं इस तरह पुनः स्वागत करता हूँ और जुड़ जाइए इस क्लास में पुनः एक बार आप। और मैं चाहता हूँ कि ये जो अध्याय है इसमें से लगभग हर बार बोर्ड में से एक चौपाई आती है, दोहा आता है, और उसमें से आपको 3-4 नंबर अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। तो हो सके कवि परिचय पूछ सकते हैं, हो सके व्याख्या पूछ सकते हैं, इसलिए इसको एवी मजाक नहीं लेना है, सीरियसली पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, रटना तो है ही नहीं अपने को, अपनी क्लास का एक ही ये आधार है कि रटना नहीं, बस समझना और अभी याद करना मेरे साथ साथ। तो ध्यान दीजिए, तुलसी दास, ठीक है, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो एक सीधी सी बात है, जो हमारा पाठ का नाम है वो क्या रहेगा, राम परशुराम लक्ष्मण जी हैं और इनका संवाद चल रहा है, ठीक है। तो आप भली बात जानते भी, आपने टीवी में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, तो वही कहानी यहाँ पर है, लेकिन पाठ के आधार पर क्या है वो देखना है। तो देखिए कि सबसे पहले तुलसीदास जी का जो जन्म है, ठीक है, उनको भी जानना जरूरी कि जन्म कब हुआ। ध्यान दें कि जन्म है वो सन 1532 में हुआ है, ठीक है, कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जिसे हम जानते थे शॉर्टकट ज़्यादा जानते हैं आजकल, ठीक है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और राजापुर जो है वो गांव का नाम बताया गया है, और जिला जो है वो बांदा जिला है, ठीक है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो सोरा एटा में भी माना जाता है, लेकिन उसके तथ्य ज़्यादा नहीं मिले हैं, तो यही हमें मानना पड़ेगा कि 1532 में राजापुर गांव में जिला बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु की बात कर ले तो देखो, आप जानते हो कि हर चीज़ का अंत होता है, भले ही बहुत अच्छे भाई ये इंसान रहे हैं, विख्यात रहे हैं, प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनका भी 1623 में देहांत हो जाता है काशी में। ध्यान दीजिए, अब बात करें हम आगे, तो ये तो था इनका जन्म के बारे में। बात करें कि ये राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। अब राम मार्गी क्यों कहा, अब आप जैसे मान लो सूरदास को पढ़े कृष्ण मार्गी कहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि जो एक देव को या एक इष्ट को लेकर ही रचना या रचता है, बार बार उसी का गुणगान करता है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उनको मान लेते हैं हम जैसे कि कृष्ण मार्गी मान लेते हैं, राम मार्गी मान। तो जो ये अपने तुलसीदास जी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये रचना रचते हैं प्रभु श्री राम की, और उनके बारे में पूरा इन्होंने बताया है। ध्यान दीजिए कि राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवियों में से सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और बात करें कि हिंदी साहित्य, शॉर्ट में थोड़ा लिखा है, हिंदी साहित्य के गौरव, आप जानते हो कि साहित्य का मतलब जितने भी कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनके बारे में उनकी रचनाएं ऑथेंटिक है या नहीं है, उन रचनाओं का पूरा जांच करके वो रचना मतलब समाज में पढ़ने पढ़ाने लायक है कि नहीं है, तो उस चीज़ का पूरा आंकलन किया जाता है, वहाँ पर उनकी रचनाओं का जिक्र किया जाता है, तो वो साहित्य क्षेत्र होता है। तो हिंदी साहित्य के गौरव को इन्होंने आगे बढ़ाया है और भारतीय संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं इनकी रचनाओं के माध्यम से, कि भारतीय संस्कृति में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसका इन्होंने बार बार जिक्र किया है। इनकी जो रचनाएं हैं वो भारतीय धर्म एवं आस्था का प्रतीक बन गई हैं। आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम का आदि के हम जन्म से लेकर मरते समय तक प्रभु श्री राम राम करते रहते हैं, तो ये तो है ही है, साथ में क्या करें, इन्होंने जो अपना योगदान दिया उसमें क्या कि हम जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं वो अपना एक धर्म मान बैठे, हालांकि भारत का कोई व्यक्तिगत रूप से कोई धर्म नहीं है, अगर पॉलिटिकल के हिसाब से हम देखें तो धर्म नहीं होता है, धर्म निरपेक्ष राज्य हमारा, लेकिन एक कर्तव्य मान लिया है कि हम जो हिंदू लोग हैं तो उसमें क्या है कि हम भारतीय धर्म, ठीक है, और आस्था का प्रतीक क्या बन गई है इनकी रचनाएं, कि हम इनकी रचनाओं को प्रभु श्री राम को पढ़ते लक्षण पढ़ते हैं, तो ये रचना हमारे धर्म में सम्मिलित कर लेते हम लोग।
अच्छा बात करें कि व्यक्तिगत जानकारी, जाति से क्या थे, सरयू पारी ब्राह्मण, ये जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं, रावण उसी वंशज का बताया जाता है, ऐसे ही क्या है कि सरयू पारी ब्राह्मण थे और इनके जो पिताजी उनका नाम था आत्माराम दुबे और माता है इनका नाम था हुलसीबाई। अब देखने वाली बात यह है कि जो क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, भगवान के हाथ में है, हालांकि साइंस ने बहुत तरक्की की लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भगवान को माना जाता और है। तो ध्यान दें कि जो नक्षत्र होते हैं, जैसे मान लो आपने कल 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण था, उससे पहले सूर्य ग्रहण भी था, तो ये सब स्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो इसी के आधार पे जो एक मूल नक्षत्र, कुछ लोग गांव के सबसे मूला नक्षत्र बोल मूला बोल देते हैं, तो मूल नक्षत्र या मूला नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था जब ये जो समय था उस समय। और ऐसे में जन्म होने से क्या, किसी ने बताया किसी विशेष पंडित जी ने कि ये जो बालक है तो इनकी अवस्था क्या थी कि जैसे जन्म हुआ तो ये लगभग 5 वर्ष के बालक के समान इनकी अवस्था दिखाई दी, और कहते हैं कि मुंह में लगभग कुछ दांत भी थे, ठीक है, और तुतला के कुछ बोल भी रहे थे। तो ऐसे बालक को देख के इनके माता पिता और बाकी लोग हैं वो थोड़े सहम जाते, डर जाते हैं, और जब पूछताछ की गई तो कहा कि मूला नक्षत्र में पैदा हुए हैं बालक, इसलिए इनको माँ बाप से दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो माँ बाप पे ये भारी रहेगा, ऐसा कुछ एक धारणाएं बन गई थी, ठीक है। ऐसे में फिर इनका लालन पालन कौन करेगा, ध्यान दीजिए कि मुनिया नाम की एक महिला होने के संपर्क में रहती है, वो मुनिया नाम की महिला है वो इनका लालन पालन करती है, हालांकि बहुत सी कम बुक्स में इसका जिक्र मिलता है, बाबा नरहरिदास, ये नाम याद रखना, बाबा नरहरिदास जो इनके शिक्षा दीक्षा का पूरा जिम्मा लेते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते हैं, तो ये उनका रहेगा। तो ये दोनों याद रखना, मुनि नाम की महिला ने इनके बचपन में जैसे जो जन्म हो उसके बाद से इनको एक बाल्यावस्था तक इनका पालन पोषण किया, इसके बाद में बाबा नरहरिदास ने इनको शिक्षा दीक्षा दी है, ठीक है। चलिए, हालांकि माँ बाप ने इनको त्याग दिया था, ये बात सत्य है। बात करें यौवन काल, जब किशोरावस्था आती है तो किशोरावस्था में पत्नी पर विशेष रूप से ही अनुरक्त हो गए थे। कई बार आप मजाक पढ़ते भी होंगे कि ये पत्नी से चलो विवाह हो गया है, पत्नी मायके गई हुई है, और उनको प्राप्त करने के लिए, उनसे मिलने के लिए ये उनके घर पहुंच जाते हैं, और जिस छत पे इनको पहुंचना था वहाँ कोई सांप लटका हुआ था, इन्होंने उसे साड़ी समझ के उसको माध्यम बना के ऊपर पहुंच जाते हैं। पत्नी द्वारा पूछा जाता है कि आप कैसे आई, तो दिखाते तो अभी सांप गुजर रहा था। तो कहने का मतलब है कि अपने प्रेम में इतने अंधे हो गए थे कि बाकी यानी कि रिस्क भी इनको भाई साधारण सा लगता था। तो पत्नी के मोह में इतने अनुरक्त हो गए थे, इतने आसक्त हो गए थे कि पत्नी ने कहा कि आप जितना प्रेम मुझसे कर रहे हैं ये प्रेम किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो अपना जीवन चलता रहेगा और इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप यदि यही जो श्रद्धा भक्ति प्रेम है वो अगर प्रभु श्री राम से लगा लें, प्रभु श्री राम के शरण में चले जाएँ, तो मुझे लगता है कि आपका नाम हो सकता है, ठीक है। और ये उन्हें उस समय तो उसके बुरा सा लगा होगा, लेकिन ये एक फटकार थी, उन्होंने जिस अंदाज से उन्हें कहा होगा, समझाया होगा, उन्हें थोड़ा सा लगा कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए, और उसी दिन से कहते कि ये तुलदास जी वहाँ से निकल लेते हैं और घर वगैरह सब त्याग किया, आश्रम में जाते हैं, प्रभु श्री राम की भक्ति करते, उनके दर्शनों के विलासी बन जाते हैं, और उसी श्रृंखला में कई बहुत सी रचनाएँ, छंद, चौपाई, सोल्ट है, रचते हैं, और बस एक ही ध्यान लगा लिया कि प्रभु श्री राम से आत्मानुभूति करनी है। तो यहाँ पे कहे कि पत्नी की फटकार से इनकी जीवन दिशा बदल चुकी है और अपना जीवन जो है भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में भेंट कर दिया, अर्पित कर दिया। बात करें लगभग 12 रचनाएं रची, जैसे बरवे रामायण है, रामलला नच्छु है, ठीक है, और भी कई रचनाएं हैं, रामचरितमानस है, कवितावली है, अभिनय पत्रिका है, ठीक है, बहुत सी रचनाएं हैं जो हमारी किताब में दे रखी, हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस और एक अपना विनय पत्रिका, ये अपने सिलेबस में भी है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 12 में से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ सकता है कि रामचरितमानस जो जिसमें राम का पूरा जन्म से लेके और अंत तक का परिचय दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, उसे रामचरितमानस कहा जाता है, इसकी शैली क्या है, प्रबंध काव्य कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और बात करें कि विनय पत्रिका है, ये गीति काव्य कहलाता है, तो ये मुक्तक शैली में रचा गया है। ये जो बेसिकली जानकारी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप उसे याद कर लीजिए, 2-3 बार सुनिएगा, याद हो जाएगी आराम से, और फिर नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब इनका जो फ़ायदा हमारे को व्याख्या में मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इन्हीं बातों के साथ में हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सुखी रहिए और खुश रहिए।